जिसमिल रहीम इन द लेक्चर सीरीज वी आर डिस्कसिंग हाउ सेंट्रल बैंक ऑपरेशंस इफेक्ट सेंट्रल बैंक मॉनिटरी लाइबिलिटी बट एट द सेम टाइम वी ऑलरेडी नो दैट देयर इज नॉट ओनली वन प्लेयर सेंट्रल बैंक इन दिस प्रोसेस रादर देयर आर थ्री डिफरेंट प्लेयर्स एंड पब्लिक इज वन ऑफ देम तो अगर पब्लिक अपना कोई डिसीजन चेंज करती है तो उससे भी मॉनेटरी बेस चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती ये हम देखना चाहेंगे तो आगे चल के अब जो मैं एग्जाम्पल लूँगा वो ये है कि अगर पब्लिक कोई डिसीजन ले ले अब पब्लिक से मुराद कोई एक दिन कैसे इकट्ठा डिसीजन होगा ये ओवर टाइम हो जाता है एक ट्रेंड बन जाता है कि लोग अपना पैसा बैंक्स में रखते हैं या बैंक्स में नहीं रखते ये डिसीजन तो बहरहाल है तो लोगों का अब ये कलेक्टिव कैसे हो जाता है ये किसी भी वजह से हो सकता है जैसे बैंक के रिटर्न जो है वो बहुत कम हो जाए तो ज़्यादातर लोग बैंक से पैसे विड्रॉ कर लेंगे या क्योंकि चेकेबल डिपॉजिट्स बेसिकली मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज़ होते हैं चेक के जरिए तो अगर किसी वजह से चेक की क्लियरेंस में हर्डल्स हों और उसमें टाइम लग सकता हो तो इसका मतलब है वो उसकी लिक्विडिटी कम हो जाएगी बैंक डिपॉजिट की तो लोग बैंक डिपॉजिट की बजाय करेंसी को प्रेफर करना शुरू कर देंगे तो इसका मतलब है ये बाहर लोगों का डिसीजन है कि वो करेंसी की फॉर्म में अपनी मनी रखें या चैकेबल डिपॉजिट की फॉर्म में ये बात आपको याद रखनी है कि जैसे सेंट्रल बैंक की मनी में करेंसी और रिजर्व का अल्टीमेट एक ही मीनिंग है दोनों सेंट्रल बैंक की लाइबिलिटीज हैं प्रैक्टिकल मीनिंग डिफरेंट है एक लोग यूज़ करते हैं एक कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक की ट्रांजेक्शन में यूज होता है लेकिन अल्टीमेटली दोनों का स्टेटस एक है कि दोनों सेंट्रल बैंक की लाइबिलिटीज बिल्कुल उसी तरीके से ये याद रखें लोगों के लिए चाहे वो कमर्शियल बैंक का डिपॉजिट है चाहे वो करेंसी है वो अल्टीमेटली मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो हम ये देखते हैं कि अगर पब्लिक एक डिसीजन ले ले पब्लिक एट लार्ज यानी कि ज्यादातर लोग कि वो अपने डिपॉजिट को करेंसी में कन्वर्ट कर दें या अदर वे राउंड वो करेंसी को डिपॉजिट्स में कन्वर्ट कर लें तो क्या इससे भी मॉनिटरी बेस्ड जो कि सेंट्रल बैंक की मॉनिटरी लाइबिलिटी है मनी पे तो देखें उससे फर्क पड़ेगा जो ओवरऑल मनी है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे अभी हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल बैंक की मनी तो क्या सेंट्रल बैंक की मनी पे भी कोई फर्क पड़ेगा इससे ये हम देखते हैं तो हम स्टार्ट लेते हैं कि पब्लिक ने एक डिसीजन किया तो याद रखें जो पब्लिक का डिसीजन होता है वो पब्लिक की तरफ से इनिशिएट होता ये सेंट्रल बैंक नहीं करने लगा इफेक्ट हम देखने लगे हैं सेंट्रल बैंक की मनी पे क्या पड़ेगा लेकिन स्टार्ट वहां से कर रहे हैं कि ये डिसीजन पब्लिक का है सेंट्रल बैंक का नहीं है एंड रिजल्ट जो हम देखेंगे हम उस प्रोसेस के थ्रू पहुंचेंगे लेकिन अगर एंड रिजल्ट मैं आपसे शेयर करूं तो इससे हम देखेंगे कि इससे रिजर्व तो चेंज हुए लेकिन मॉनिट्री बेस चेंज नहीं तो उसकी एक इंप्लीकेशन निकलेगी कि सेंट्रल बैंक का कंट्रोल रिजर्व पे ज्यादा है या ओवरऑल मॉनिटरी बेस पे ज्यादा है इस इंप्लीकेशन को भी हम बाद में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर तो हम स्टार्ट लेते हैं एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या है जैसे मैंने ओपन मार्केट ऑपरेशन के लिए एग्जाम्पल ली अब ओपन मार्केट ऑपरेशन किसने स्टार्ट किया इनिशिएट किसने किया प्रोसेस सेंट्रल बैंक उसमें ओपन मार्केट परचेज थी तो भी सेंट्रल बैंक ने प्रोसेस किया ओपन मार्केट सेल थी तो भी वो सेंट्रल बैंक चाहता था कि ये ओपन मार्केट सेल हो जाए यानी कि टू बिलियन रुपीज के गवर्मेंट सिक्योरिटीज़ मैं कमर्शियल बैंक को सेल कर दूं, लेकिन ये प्रोसेस इनिशिएट कर रही है जनरल पब्लिक Pub. और पब्लिक ने क्या डिसाइड किया है कि वो बैंक से पैसे विदड्रॉ कर रही और अल्टीमेटली हम ये देखते हैं कि वो दो बिलियन रुपए के बराबर हो गए हैं विदड्रॉल टोटल इसका मतलब है वो कन्वर्ट हो गए करेंसी में लोगों के लिए एक जैसा है वो चैकेबल डिपॉजिट था वो भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज था करेंसी है यह भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है लेकिन इसकी इम्प्लीकेशन ऊपर क्या बनेगी सेंट्रल बैंक की मॉनिटरी लाइबिलिटीज के लिए वो हम देखते हैं इसके अंदर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो नॉन बैंक पब्लिक है देखिए नॉन बैंक पब्लिक से मुराद क्या है कि इसमें बैंक नहीं शामिल हम देखना चाह रहे हैं वो पब्लिक जिसने ये किया वो पब्लिक जिसका ये डिसीजन है कि उसने करेंसी में कन्वर्ट कर ली अपने डिपॉजिट यानी कि विदड्रॉ कर लिए काफी दो बिलियन रुपए के बराबर अपने डिपॉजिट में से इसके उनकी बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट हो तो उनकी बैलेंस शीट में हुआ ये कि चेकेबल डिपॉजिट उनके दो बिलियन रुपए से कम हो जाहिर है उन्होंने विड्रॉल ले ली दो बिलियन रुपए की तो उनके तो चेकेबल डिपॉजिट कम हो जाएंगे लेकिन करेंसी भी तो उनका एसेट है लोगों का अगर चेकेबल डिपॉजिट एक एसेट है तो करेंसी भी तो उन्हीं का एसेट है तो क्या होगा कि उनका एक एसेट कम हो गया कौन सा एसेट चेकेबल डिपॉजिट और एक एसेट बढ़ गया कौन सा करेंसी और दूसरी तरफ अगर उनकी लाइबिलिटीज में देखें तो उनकी लाइबिलिटीज में कोई फर्क नहीं पड़ा यह भी उनका एसेट वो भी उनका एसेट एक एसेट को दूसरे एसेट में कन्वर्ट कर लें तो लाइबिलिटी तो नहीं चेंज होती तो नॉन पब्लिक के, के केस में उसकी बैलेंस शीट में एसेट्स में से एक एसेट बढ़ गया एक एसेट कम हो गया दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट किया लाइबिलिटीज पर कोई फर्क नहीं पड़ा अब हम देखते हैं कमर्शियल बैंक जिनसे यह विड्रॉल हुई है उनकी बैलेंस शीट पे क्या फर्क पड़ा तो उनकी बैलेंस शीट में एसेट्स में भी चेंज आया लाइबिलिटीज में भी चेंज एसेट्स में क्या चेंज आया एसेट्स में यह चेंज आया कि उनके रिजर्व दो बिलियन से कम अब ये जो मैं पिछले लेक्चर में आपको कह रहा था कि रिजर्व और करेंसी कन्वर्टेबल होते हैं आप इनमें फर्क ना समझे लाइबिलिटी के सेंस में ये बात यहां पे प्रूव हो गई कि जो ही हमने कहा कि पब्लिक ने डिपॉजिट विड्रॉल ले ली और वो अपनी करंसी बढ़ा ली तो उतनी अमाउंट के रिजर्व्स गिर गए अब रिजर्व्स क्यों गिर गए इसलिए कि यह जो विड्रॉल हुई है इसके बदले रिजर्व्स को कन्वर्ट कर दिया गया है करेंसी में ठीक है ना क्योंकि दो बिलियन रुपए उन्होंने अपने पास रखे हुए तो नहीं थे उस वक्त तो यह कन्वर्जन है बेसिक लेकिन अल्टीमेटली रिजर्व कम हो गए कमर्शियल बैंक के ये उनकी एसेट में कमी आई है लेकिन एट द सेम टाइम उनके चेकेबल डिपॉजिट भी तो दो बिलियन रुपए से कम हो गए और ये डिपॉजिट उनकी लाइबिलिटी थी तो कमर्शियल बैंक या डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन का एसेट भी कम हो गया यानी कि उनके रिजर्व कम हो गए डिपॉजिट खत्म होने की वजह से और दूसरी तरफ उनकी लाइबिलिटीज भी कम हो गई दो बिलियन रुपए से किस लिए कि लोगों ने जब विड्रॉल ले ली तो लोगों ने अपना पैसा ले लिया अब उनकी तो नहीं रही है तो सेंट्रल बैंक के पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा लेकिन उसकी में से एक आइटम बढ़ गया एक आइटम कम हो गया कैसे देखें रिजर्व्स भी सेंट्रल बैंक की लाइबिलिटी करेंसी भी सेंट्रल बैंक की लाइबिलिटी तो अगर इस सारी ट्रांजैक्शन के बदले में देखें तो जो करेंसी इन सर्कुलेशन है वो दो बिलियन से बढ़ गई और वो सेंट्रल बैंक की लाइबिलिटी है क्योंकि करेंसी के ऊपर लिखा हुआ ये लाइबिलिटी है जबकि हमें ये पता है कि मॉनिटरी बेस को लाइबिलिटी साइड से देखें तो दूसरा आइटम रिजर्व आता है और रिजर्व से मुराद कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट जो सेंट्रल बैंक के पास हैं तो इसका मतलब यह है कि वो रिजर्व चूंकि कम हो गए कमर्शियल बैंक के तो सेंट्रल बैंक की लाइबिलिटी कम हो गई तो इसका मतलब है सेंट्रल बैंक के रिजर्व पे एसेट्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा लेकिन उसकी लाइबिलिटीज में से एक लाइबिलिटी बढ़ गई एक लाइबिलिटी कम होगी और दूसरे ने दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट किया नेट रिजल्ट इसका भी जीरो याद रखें बैलेंस शीट का एंड रिजल्ट जीरो आता है या एसिड बढ़े तो लाइबिलिटी बढ़ेगी या एसिड कम हो तो लाइबिलिटी कम होगी या एसिट बढ़े तो एक दूसरा एसिट कम होगा या लाइबिलिटी बढ़े तो एक दूसरी लाइबिलिटी कम होगी नेट रिजल्ट हमेशा जीरो रहेगा तभी तो इसे बैलेंस शीट कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि सेंट्रल बैंक की लाइबिलिटीज में रिजर्व कम हो गए लेकिन सेंट्रल बैंक की लाइबिलिटी में करेंसी बढ़ गई अब हम यह देखना चाहेंगे कि सेंट्रल बैंक की ओवरऑल मॉनेटरी बेस पे क्या फर्क पड़ा तो याद रखें अगर आप मॉनेटरी बेस की डेफिनेशन करते हैं करेंसी प्लस रिजर्व्स और आप कह रहे हैं करेंसी दो बिलियन से बढ़ गई रिजर्व्स दो बिलियन से कम हो गए दोनों को सम क्या फर्क पड़ेगा कुछ भी नहीं जब दो चीजें ऐड हो रही हैं एक दो बिलियन से बढ़ गई दूसरी दो बिलियन से कम हो गई तो नेट रिजल्ट क्या पड़ना है रिजल्टेंट वैल्यू तो सेम रहेगी तो मॉनिटरी बेस पे क्या फर्क पड़ा मॉनिटरी बेस पे कोई फर्क नहीं पड़ा लेकिन रिजर्व तो दो बिलियन से कम हो गए तो इसका मतलब यह है कि अगर हम ये देखना चाहें कि सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में मनी मॉनिटरी बेस यानी कि जो करेंसी और रिजर्व्स दोनों का सम है वो ज्यादा कंट्रोल में होती है या रिज़र्व्स जो सेंट्रल बैंक की अपनी करेंसी है यानी कि जो कमर्शियल बैंक्स के साथ डीलिंग में यूज होती है वो ज्यादा स्टेबल कंपोनेंट है उसकी मॉनिटरी लाइबिलिटीज का और वो ज्यादा कंट्रोल में होती है तो याद रखें कि रिज़र्व्स जो हैं वो वॉलेटाइल हैं यानी कि वो इम कंट्रोल है उनके ऊपर सेंट्रल बैंक इम्परफेक्ट का वर्ड रादर इतना यहां पे मौजूद नहीं है बल्कि उसका हम ये कहेंगे कि कम इम्परफेक्ट तो मॉनेटरी बेस के ऊपर भी हो सकता है लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें मॉनेटरी बेस और रिजर्व्स का तो मॉनिटरी बेस के ऊपर सेंट्रल बैंक का कंट्रोल ज्यादा हो सकता है रिजर्व्स के ऊपर कम हो सकता है कैसे जैसे अभी हमने देखा कि एक डिसीजन पब्लिक ने लिया और रिजर्व सेंट्रल बैंक के चेंज हो गए तो इससे दो मतलब समझें एक ये कि सेंट्रल बैंक का कंट्रोल नहीं है रिजर्व के ऊपर पब्लिक के डिसीजन से भी चेंज हो सकते हैं और दूसरा यहां से यह भी समझ लें कि जो फाइनल मनी का डिसीजन होता है उसमें पब्लिक भी एक प्लेयर है सेंट्रल बैंक के साथ तो इसका मतलब यह है कि जो रिजर्व्स हैं वो वॉलेटाइल हो सकते हैं जैसे जैसे पब्लिक का डिसीजन चेंज हो रिजर्व्स चेंज हो सकते हैं लेकिन चूंकि रिजर्व चेंज भी हो जाए तो करेंसी भी साथ चेंज होती है तो मॉनिटरी बेस पे कोई नेट इंपैक्ट नहीं आता तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर सेंट्रल बैंक का कंट्रोल देखना हो तो रिजर्व पे मॉनिटरी बेस के मुकाबले में कम कंट्रोल है और मॉनिटरी बेस पे ज्यादा कंट्रोल है जितनी एग्जाम्पल हमने अभी तक पढ़ी हैं उनके मुताबिक तो मॉनिटरी बेस पे परफेक्ट कंट्रोल है हालांकि है नहीं परफेक्ट मॉनिटरी बेस पे भी वो हम बाद में देखेंगे कि उस पर भी इंपरफेक्ट हो सकता है लेकिन अभी तक के रिजल्ट के मुताबिक रिजर्व के मुकाबले में ज्यादा मॉनिटरी बेस सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में थैंक यू